So now we'll derive few formulas for magnetic field of different configuration by using Biot-savart law. Object a magnetic field due to a straight wire. So here there is a current carrying wire AB which is carrying a current I. And we need to calculate the magnetic field at this point P, which is at the distance R from this wire. Now this point P makes an angle theta 1 at this point A and theta 2 with this point B. Then the magnetic field here is going to be mu naught I by 4 pi r sine theta 1 plus sine theta 2. Yeh hoga mera magnetic field at this point P. Iska direction hoga into the page. To yaha pe main likh sakta hu, yaha pe cross. Ab yaha pe let's say this wire is infinite wire. To infinite wire hoga to theta 1 and theta 2 ki value ho jayegi pi by 2. To sine pi by 2 is 1 plus sine pi by 2 which is 1 then 2. तो ये जो वायर इनफाइनाइट होगा तो मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर. तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर दिस. अब होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क कैलकुलेट करते हैं. नाउ दिस इज माय आर्क ए बी व्हिच इज कैरिंग अ करंट आई इन दिस डायरेक्शन. अब मुझे पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर ओ. अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू mu naught I divided by 4 pi r, where r is my radius of this arc, into this angle theta. Now this arc subtends an angle theta at this point O. So, ye hoga mera magnetic field due to arc and iska direction hoga. Now iska direction hoga into the page. To main isko again cross likhta hu yahan pe. So it shows into the page. Now we'll calculate the magnetic field due to a ring, the circular current carrying loop. तो यहां पे लेट्स से द करंट आई इट इज फ्लोइंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन हियर और उसकी वैल्यू होगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. अब यहां पे जिसका डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन कर सकते हैं. अब ये राइट हैंड थंब रूल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द Biot-savart का राइट हैंड थंब रूल. इन हियर वी नीड टू कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो कुछ इस डायरेक्शन में कर्ल करूंगा उसको एंड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस पूरे लाइन में इस पूरे एक्सिस में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन विच इज अपवर्ड. तो इवन नीचे पॉइंट पी होता एट डिस्टेंस एक्स तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही होता. सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्क्यूलर लूप और अ करंट कैरिंग रिंग. So now we'll solve this example by using the formulas that we have learned so far. Ab yahan pe there is this semi-infinite wire CA which is carrying a current I and wahi current ek semicircular arc se pass ho raha hai of this radius R and then ye current is wire BD se wapas ja raha hai. So now we need to calculate the magnetic field at this point O which is the center of this semicircular arc. Ab yahan pe magnetic field dekho yahan pe दो स्ट्रेट वायर के वजह से विच आर सेमी इनफाइनाइट और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड. तो मैं इस पॉइंट से लिख सकता हूं इनको और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड मतलब आउट ऑफ द पेज. तो मैं यहां पे डॉट लिख सकता हूं. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू. अब यहां पे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हम लोग. यहां पे जो थीटा एंगल है इट इज पाई हियर. तो यहां पे थीटा जब पाई होगा तो आई विल गेट म्यू नॉट आई बाय 4 आर. तो ड्यू टू दिस आर्क इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर. देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर ए सी. अब ड्यू टू दिस वायर ए सी एंड बी डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बी डी विच इज इक्वल टू. अब यहां पे देखो ये सेमी इन्फाइनाइट वायर है मतलब यहां पे जो पॉइंट ए है लेट्स से ये पॉइंट ए का जो एंगल थीटा वन इज जीरो हियर और इस सी का जो एंगल है इट इज पाई बाय 2 क्योंकि ये इनफाइनाइट है इसमें. तो यहां पे एक में साइन पाई बाय 2 होगा विच इज 1 और एक में साइन 0 विच इज 0. तो यहां पे आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. तो इसमें आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज द सम ऑफ दिस टू एंड दिस आर्क. सो माई नेट मैग्नेटिक फील्ड हियर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स दिस विच इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर प्लस magnetic field due to this arc AB, which is mu naught I divided by 4R.